तो क्वेश्चन नंबर 416 को देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है। इन द गिवन फिगर टीवी इज अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रहा है, मतलब ये होगा डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है ये होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं ना, अलग से ही डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया, फिर पी ए का डायमीटर है ए बी, ए पे टेंजेंट ड्रॉ करना है एन, फिर ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये पी हो गया। अच्छा टी बी नाम था, ए बी नहीं, इस पॉइंट का नाम है ए एंड सेंटर तो ओ है। फिर क्या दिया है, पी टी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, पी ए का वैल्यू 5 है, ए बी का वैल्यू 1 दिया है और हमें निकालना है क्या रेडियस। कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री आ रहा था। तो एक केस पर है होंगे ना कि पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर होता है ना। तो पी ए कितना है 5, पी बी कितना होगा 5 प्लस एक्स और पी टी स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर तो 100 है। तो 5 प्लस एक्स का वैल्यू आ गया है 20, एक्स का वैल्यू है 15। तो अगर x का वैल्यू 15 है तो PB कितना हो गया, PB तो हो गया है 20। अब ये एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है आपको PTB, ए एक हो गया समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में इन राइट ट्रायंगल PTB, PB है क्या हाइपोटेन्यूज। तो जो PB का स्क्वायर है ना वो PT के स्क्वायर और TB के स्क्वायर के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। तो 20 का स्क्वायर 400, चलिए 20 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर। तो टी बी का वैल्यू कितना आ गया, 400 में से 100 गया 300, तो 10 रूट 3 हो गया। बट हमें चाहिए रेडियस, टी बी है डायमीटर, ये हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया है देख लीजिए। अगर सर्कल में बाहर के पॉइंट से आपने सीकेंट ड्रॉ किया ऐसे ऐसे करके और एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो जो पी है मान लो एक ए बी था, फिर सी डी था, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है टी। तो जो कंडीशन होता है ना वो होता है कि पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी के बराबर होगा और वो हो जाएगा पी टी स्क्वायर के बराबर। ठीक, ये कब होगा, जब आपका पॉइंट P सर्कल के बाहर है। फिर आपके मन में डाउट होगा कि अच्छा बाहर में तो समझ में आया, अगर पॉइंट P सर्कल के अंदर रहता तो कुछ नहीं होगा। अरे होगा तो क्यों नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास है दो कॉर्ड ए बी एंड सी डी, दोनों इंटरसेक्ट किया पॉइंट P पे, तो तब भी आप लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, और ए है बहुत ही काम का चीज, तो ये दोनों याद रखना है, आर का मतलब रिमेम्बर। ठीक, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।